वेलकम टू ब्लॉगिंग विद श्वेता। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो मैं हो गई हूँ तैयार। तो हम सब आज जा रहे हैं प्रति बालाजी, जो पुणे में है। तो मेहमान तो सारे चले गए और कल परसों मेरे सास ससुर भी चले जाएंगे, तो सोचा कि आज बालाजी के थोड़े दर्शन करके आए, तो इसलिए बस चलते हैं प्रति शिरडी, सॉरी, तो चलते हैं प्रति बालाजी। तो हम निकल गए प्रति बालाजी के लिए। हमें कुछ 1.5 से 2 घंटा लगने वाला था वहाँ पहुँचने के लिए, और जो रूट था वो तो बहुत ही अमेजिंग था पुणे से। और ये जो टनल है, यहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और बहुत ही बड़ा टनल था ये, कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर था शायद। तो बस, और ये पार करते करते हम बस सिटी से बाहर निकल गए और विलेज स्टार्ट हो गया। और जैसे ही विलेज स्टार्ट हुआ, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत ही शांति थी यहाँ पे। तो बस हम पहुँच गए प्रति बालाजी। तो बस पहुंच गए हम प्रति बालाजी, और यहाँ पे एंट्री फीस नहीं थी। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छा शांत महसूस हो रहा था यहाँ पे। आप चारों ओर ग्रीनरी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। हो गए हमारे दर्शन, और यहाँ वहाँ पे ना अंदर कलरफुल पेंटिंग्स बनाई थी दीवारों पे ऊपर, जो पुरातन काल में होती थी वैसी ही। और यहाँ पर फ्लावर्स ले जाना मना था, कोई भी पूजा के सामान भी हम नहीं लेके जा सकते थे। तो बहुत ही क्लीननेस था, इसलिए वहाँ पे बहुत ही शांति थी। और जब हमने बालाजी की मूर्ति देखी, तो बस हम तो देखते रह गए, बहुत ही सुंदर, बहुत शांति का प्रतीक लग रही थी वो। तो ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री थी, तो यहाँ का फोटोशूट हम कर सकते थे बाहर से, तो बस मैंने यही कर पाई। बहुत ही सुंदर सजाया था। यहाँ पे विष्णु जी के सारे अवतारों की पेंटिंग की हुई थी, वो भी पुरातन काल में जैसे करते हैं वैसे ही, और बहुत ही सुंदर मंदिर था ये, साउथ इंडियन। तो बस हम अभी निकल रहे हैं पुणे की ओर, और हमें सबको बहुत भूख लग गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ पे नाश्ता कर सके। तो हाय कबीर, हाय बेबी कबीर, हाय। कहाँ जा रहे? तो यहाँ पे हम आ गए सीताफल, पेरू और अंजीर खरीदने, जो यहाँ पे बहुत सारे थे बेचने के लिए। नहीं, खा लो, खा लो, गोड़ है, गोड़ है। अंजीर का मम्मी खाऊं?
हे वाले तितके नहीं है, तिकडचे जास्त गोड आहे. चांगले अबे. तो यहाँ पे हम एक गांव में रुके थे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर ये फूल लगे हुए थे जिनकी खेती हो रही थी, और बाजू में ही ना कुछ अनाज बेचे जा रहे थे और हमने भी खरीदे चावल और बाकी सब. तो बहुत ही अच्छा लगा इस गांव में, और हमने बहुत कुछ खरीदा जैसे जवस, चावल, दो प्रकार के चावल, इंद्रायणी, बासमती, बरबटी, राजमा, ऐसा सब कुछ हमने खरीदा. तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कबीर के साथ मस्ती, और वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था. तो यहाँ पे आई पी रही है चाय, और ये चाय बहुत ही टेस्टी थी. एक्चुअली मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ, बस मैंने टेस्ट की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये चाय. गुड़ की चाय थी ये. तो बस हो गई है शाम और हम सबको लग गई थी भूख, तो देखते हैं हम रेस्टोरेंट जाएंगे या फिर घर में खाना खाएंगे. तो यहाँ पे तो हाईवे पे थे, बहुत से ढाबे थे, लेकिन हमने यहाँ पे रुकना ठीक नहीं समझा, तो हम पुणे जाके रुकने का सोच रहे थे. नेक्स्ट डे कल रात हमें इतना लेट हो गया था और हम थक भी गए थे, कबीर भी थक गया था, तो मैंने कल ब्लॉग का एंड नहीं किया, तो सोचा हम आज कर ले. तो करते हैं ब्लॉग को अभी यही एंड. आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.